प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आपने गिल्ली डंडा खेला है, जिसे हम आम जबान में ईटी डांडू कहते हैं, मराठी में ईटी डांडू कहते हैं। उस गिल्ली डंडा में आपने देखा होगा कि अगर तीन खिलाड़ी हो और दो टीम बनानी हो तो एक खिलाड़ी एक तरफ हो जाता है और दो खिलाड़ी दूसरी तरफ हो जाते हैं। अब इस गैर बराबरी को सही करने के लिए आमतौर पर वो क्या करते हैं, वो अकेला खिलाड़ी ये कहता है कि भाई मैं दो मर्तबा खेलूँगा, यानी मेरे पेट में दो भड़ू, मैं दो मर्तबा खेलूँगा, आप दो हैं, मैं अकेला हूँ, फिर मैं एक मर्तबा क्यों खेलूँ, मैं भी दो मर्तबा खेलूँगा, यानी मेरे पेट में दो भड़ू। इसका मतलब ये हुआ कि वो होता तो एक है लेकिन खेलता दो मर्तबा है। आज हम जो सबक पढ़ रहे रियाजी में, ये भी हमारा अलजेब्रा का एक इंतहाई मज़ेदार सबक है। इसमें भी कुछ ऐसा ही आप कह रहे होंगे ये क्या बात कर रहे हैं सर, ईटी डांडू की, गिल्ली डंडा की। यहाँ पर हम जो सबक देख रहे हैं उसका नाम है कुव्वत नुमा। जिस तरह से वो लड़का कह रहा था कि मेरे पेट में दो घड़ू है यानी मैं दो मर्तबा खेलूँगा, वैसे ही कुछ आदात के पेट में और आदात होते हैं, उसको हम कुव्वत नुमा कहते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, चलो हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद लिखा, दो की कुव्वत तीन। सशुम जमात में हमने कुव्वत नुमा इससे मुतारिफ है अच्छी तरह से, और इसको क्या कहते हैं ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसको कायदा कहते हैं, कायदा या असास। और ऊपर ये जो अदद है उसकी ताकत दिखाने वाला, इसको कहते हैं कुव्वत नुमा। अब दो की कुव्वत तीन, इसका मतलब क्या हुआ? दो की कुव्वत तीन का मतलब ये हुआ कि दो का तीन मर्तबा ज़र्ब, दो ज़र्ब दो ज़र्ब दो, यानी दो के पेट में कितने भड़ू, तीन भड़ू आम जबान में। तो चलिए आज हम इसी मज़ेदार सबक को, सबक नंबर छः कुव्वत नुमा के उसूल को देखते हैं।